बहन स्तुति जी और आप सब विद्या कार्य, इस ऋषि कार्य से, इस मानवता के लिए जो सबसे श्रेष्ठ कार्य, उससे जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हुआ, शिक्षा को लेकर के हमारे ऋषियों ने एक दर्शन हमें दिया, एक सिद्धांत दिया। क्योंकि पूरी दुनिया आइडियोलॉजी को लेकर के, प्रिंसिपल्स को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के ही चलती है, तो एजुकेशन के बारे में हमारे ऋषियों की पॉलिसी क्या रही, एजुकेशन को लेकर के उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत क्या थे, तो उसको ईशोपनिषद और यजुर्वेद के 40 अध्याय दोनों ही जगह कोड किया गया है कि हमें अपरा विद्या और परा विद्या दोनों का बोध होना चाहिए। जितना भी भौतिक ज्ञान विज्ञान है, ये सारा अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। कहीं उसको अपरा विद्या कह दिया जाता है, तत्र द्वे है विद्ये वेदितव्ये, परा च अपरा च, यत ब्रह्म विदः वदन्ति। कहीं अपरा विद्या तो कहीं उसको अविद्या भी कहा जाता है। और दूसरा परा विद्या, परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, बहुत से स्कूलों के स्लोगन के रूप में इस मंत्र के अंतिम हिस्से का प्रयोग किया जाता है, विद्या अमृतम अश्नुते, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो यहां विद्या का मतलब है परा विद्या, परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, माने जिससे कि व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है, सारी अपूर्णताओं से, पराधीनताओं से, कमजोरियों से, दुर्बलताओं से, जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, उनसे जो हमें बाहर निकालता है वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो जीवन में दिव्यता, जिस प्रक्रिया से आती है, जिससे कि पूर्ण सत्य हमारे जीवन में घटित होता है, व्यक्ति भीतर से पूर्ण प्रकाशित होता है, उसको पराविद्या का है। इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा कहा था उद्घाटन सत्र में। यदि हम इसको अपराविद्या और पराविद्या को मैं पहले वाले अपने उद्बोधन के साथ जोड़ता हुआ कहूं, तो ये जो हमारा अभ्युदय है ये अपराविद्या है, और जो हमारा निश्रेयस है यही पराविद्या है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में वही महापुरुष काम करते थे जिनके जीवन में पूर्णता होती थी, क्योंकि एक भाग हम ट्रेनिंग से सीखते हैं, शेष सबसे बड़ी प्रेरणा तो जो हमारे सामने का आदर्श होता है उसकी होती है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा में, आर्ष ज्ञान परंपरा में, जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसमें इसको बहुत बड़ा स्थान दिया जाता था, आचार्य के आचरण को, गुरु के आचरण को। मैं स्वयं पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, भगवान ने अनुग्रह करके मुझे एक अच्छा मस्तिष्क इस रूप में दिया कि मैंने बचपन से ही अपना हित अहित सोचा, जो अपने से बड़े प्रामाणिक व्यक्ति थे उनकी बात को आदर दिया, उनके प्रति कृतज्ञता का, गौरव का भाव रखा, और कभी भी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं क्या नहीं कर सकता। बचपन से मैं ऐसा सोचता था, इस बात को मैं हमेशा कहता भी हूँ जब भी कभी कोई बच्चों के सामने प्रसंग आता है या मेरे जीवन के बारे में मुझसे कोई पूछता है, मैं ऐसे देखता था, ये महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, पाणिनि हो, पतंजलि हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, सब महापुरुषों के दो ही हाथ हैं, यही दिमाग है, दो ही पैर हैं, ये मेरा जैसे स्ट्रक्चर है सबका। ठीक है, कुछ बल आदि में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने इसमें तो कोई पक्षपात हमसे किया नहीं, तो मैं वैसे क्यों नहीं बन सकता। खैर, उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ा, फिर महर्षि दयानंद को पढ़ा,
तो पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है ये मैकाली के द्वारा घड़ी हुई है, और इसमें जो हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा है जिससे कि मानव महामानव बनता है, पुरुष में देवत्व ऋषित्व घटित होता है, वो नहीं है। तो फिर मैं आठवीं क्लास में पढ़ रहा था, पढ़ने में ये क्योंकि अपने बारे में बता रहा हूँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था, लेकिन जितने भी 8-10 गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे तो मैं प्रथम रहा करता था। कोई कहने वाला नहीं था घर में कि पढ़ो, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, ट्यूशन कोचिंग ये तो बहुत दूर की बात थी हमारे लिए, और हमको ऐसा कुछ लगता भी नहीं था। जो पढ़ते थे वो ठीक है, जो पढ़ते थे वो समझ में आता था, वो याद हो जाता था, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं लगती थी। फिर मैं गुरुकुल में आ गया और गुरुकुल से आज तक की लंबी यात्रा रही है। इसमें व्याकरण शास्त्र से मैंने प्रवेश किया और फिर दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, और फिर तो अर्थशास्त्र, सब बहुत कुछ पढ़ा। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं दुनिया के लगभग लगभग हर पहलू के ऊपर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे कोई श्रेष्ठ काम हो सकता है तो विद्या का काम है, जिस काम को करने में आप लगे हो। इसलिए मैं पुनः आपको इस रूप में गौरव देता हूं कि भारत आज भारत है तो ऋषि मुनियों की वजह से, और आज ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व आप लोग ही कर रहे हो, क्योंकि ये भगवे कपड़ों में कोई ऋषि मुनियों को देखने लगे, इसमें भी कुछ महापुरुष हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सबका मैं आदर करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग आपकी वेशभूषा कैसी है ये कोई बहुत ज्यादा आज मायने नहीं रखता है इस वर्तमान के वैश्विक परिवेश में। आपके विचार, आपके संकल्प, वो आगे जो कुछ बना रहे हो आप बना रहे हो। तो मैंने इस संदर्भ में ये सोचा कि एक अच्छा आदमी कैसे बनाया जा सकता है, तो उसमें दो चीजों के निष्कर्ष पर मैं पहुंचा। मैंने मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके ऊपर भी विचार किया। मनुष्य जो है उसमें सबसे विकसित आत्मा है, उसमें सबसे विकसित मस्तिष्क है। मस्तिष्क तो हर एक कोशिका में होता है, वो पेड़ पौधों की कोशिकाएं हों, चाहे वो जो है जितने भी जलतल थरचर नवचर हों, मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क है, उसकी सबसे विकसित उसकी शरीर प्रणाली है, उसकी जो अंतः रचना है, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के जीन्स जीनोम सब, एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो जैसे कहते हैं ना अल्टीमेट अंतिम रचना, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य धरती की भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब मैंने देखा कि सब मनुष्य में तो एक जैसा सामर्थ्य होते हुए भी दिखता तो नहीं, एक तो होता होना, एक होता प्रकट होना, प्रसुप्त अवस्था में तो है लेकिन वो प्रकट रूप में एक जैसा नहीं दिखता, जबकि थोड़ा सा प्रयास करने पर हम बाकी चीजों में सिमिलरिटी ला सकते हैं। हम जो है सही तकनीक अपना करके एक जैसे आम, एक जैसे चीकू, एक जैसे सेब, एक जैसे लीची, एक जैसी गाय, भेड़, बकरियां, ये सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। एक ही कुल में पैदा हुए दो बच्चे, तीन बच्चे एक समान नहीं होते हैं, एक ही गुरु से पढ़ने वाले सब शिष्य एक समान नहीं होते हैं, और दूसरों की बात तो छोड़ो, हम हमेशा एक समान नहीं होते। सुबह से शाम तक हम अपनी ही चेतना का अध्ययन करें तो अपने आप को कभी तो इतनी ऊंचाई पर पाते हैं और कभी एकदम नीचे गिर जाते हैं। तो मैं दो निष्कर्षों पर पहुंचा मनुष्य के संदर्भ में, फिर ये आचार्य कुलम क्यों शुरू किया वो बताना चाहूंगा, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और हमें यदि इस 700 करोड़ के इस मनुष्य सृष्टि में, वैसे तो जीवों की संख्या अनगिनत है, इस मनुष्य सृष्टि में, क्योंकि मैंने कहा कि मनुष्य स्वयं में नियंत्रित, स्वयं में अनुशासित, स्वयं में मर्यादित नहीं है, यदि अच्छा होगा तो भी मनुष्य से ही होना है इस पूरे अस्तित्व में, और यदि बुरा होगा तो वो भी मनुष्य के द्वारा ही होना है। तो दो चीजें हैं, एक तो बीज और फिर मैं मनुष्येतर जीव सृष्टि की बात कर रहा हूं, वो बीज
पेड़ पौधों के भी हो सकते हैं, वो बीज जो है गाय भैंस आदि पशुओं के भी हो सकते हैं। बीज अच्छा हो, वो बीज अच्छा एक जैसा बनाया भी जा सकता है, मनुष्य के संदर्भ में ये बात अभी तक घटित नहीं हुई है। बीज एक जैसा हो, फिर उसको एक जैसा इन्वायरमेंट दिया जाए तो हम एक जैसी क्रॉप ले सकते हैं, एक जैसे पशु पैदा कर सकते हैं। 40 किलो दूध देने वाले, 50 किलो, 60 किलो दूध देने वाले गाय जो है आदि को पैदा किया जा रहा है, कंटिन्यूअस किया जा रहा है, उसमें पैरामीटर्स बनाए हुए, उनको आप फॉलो करें तो बल्कि कम देने वालों को बढ़ा भी सकते हैं। तो मनुष्य के संदर्भ में भी एक उसका बीज अच्छा हो, लेकिन उस बीज का और इस इन, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, पेड़ पौधे, गाय भैंस, भेड़ बकरियां, उनके जो बीज होंगे उनमें आप 100% एक जैसे रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन यहां एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए अच्छे बीज की तलाश आप मात्र किसी कुल वंश से नहीं कर सकते। जैसे वहां ऐसा होता है कि यदि मां और उसका जो है मादा के साथ साथ जो नर है उसका पिता, वो गाय भैंस दोनों भेड़ बकरियों सबके संदर्भ में लागू होता है, दोनों यदि 40-40 किलो दूध देने वाले हैं, 60-60 किलो दूध देने वाले हैं, तो उनके जो आने वाली संतति उसे और बढ़ा सकते हैं और उनसे कम दूध वालों को भी और 60-70-80% तक उसमें एवरेज 70% उसमें आप नस्ल सुधार भी कर सकते हैं। मनुष्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि इस कुल के आदमी ले लो, इस वंश के आदमी ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, तो उनको आप बनाए तो वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनके भीतर निर्मित हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है बड़ा सोचने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होता है, और बड़ा सोचने के बाद बड़ा कम करने का सामर्थ्य उसमें भी कम लोगों में होता है। बड़ा सोचना, फिर बड़ा करने के लिए उस काम को शुरू करना और फिर उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना, यह करोड़ों में एक व्यक्ति करता है, कोई करोड़ों में, ये संख्या बहुत कम रह जाती है। तो चार बात जो है चीजों में अपनी बात को कह रहा हूं, अच्छा प्रारब्ध, अच्छा परिवार, मैं दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूं, अच्छा परिवार, अच्छा प्रारब्ध, दूसरा अच्छा वातावरण, तीसरा अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण, और चौथा उसका स्वयं का पुरुषार्थ। ये चार चीजें यदि एक जगह मिल जाएं तो हम बहुत बड़ा व्यक्तित्व तैयार कर सकते हैं। वो जहां भी जाएगा वो एक एक व्यक्ति हजारों, लाखों, करोड़ों के बराबर होगा। हम इस मनुष्य सृष्टि में देख रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा होता है अपने पुरुषार्थ से हजारों, लाखों, करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए एक लिविंग आइडियल आइकॉन, रोल मॉडल हो जाता है, जीवंत सत्य की सशक्त अभिव्यक्ति बन जाता है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। और उस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो इस कदर फैल जाती है पूरे समाज में जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसे उसका आभा मंडल इतना विराट होता चला जाता है। और वास्तव में ऐसे ही मनुष्य जो है वो इस मानव का गौरव बढ़ाते हैं और ये मानव के होने का एहसास कराते हैं और ये प्रेरणा भी देते हैं कि तुम यहां से उठ करके, अपलिफ्ट होकर के यहां तक आ सकते हो। चार चीजें मैंने बताई, परिवार, प्रारब्ध और परिवार, वातावरण, तीसरी चीज प्रशिक्षक और प्रशिक्षण, और चौथा पुरुषार्थ स्वयं का। ये चार चीजें यदि हम जो है अच्छे से ठीक से चयन कर पाए तो हम, आप अपने स्कूलों में भी चाहते बहुत अच्छे रिजल्ट, मैं आचार्य कुलम में ऐसे बच्चों को लेना चाहता हूं। ऐसे तो बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत में भी चल रहे हैं, लाखों चल रहे हैं। तो अच्छे प्रारब्ध वाली आत्मा के लिए मैंने सात गुणों के बारे में खोज की कि यदि सात गुण किसी आत्मा में है बचपन से ही तो वो बहुत ऊंचे प्रारब्ध वाली आत्मा है, क्योंकि जीवन का प्रवाह तो अनादि और अनंत काल तक रहने वाला है, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। मैंने इस संदर्भ में लाखों घंटे सोचा होगा कि हमारा प्रारब्ध क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है, ये पूर्व जन्म क्या है, ये पुनर्जन्म क्या है, और इसको मैं पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में, युक्ति के साथ, प्रमाण के साथ, पूरे एविडेंसेस के साथ में मैं आपसे कह भी सकता हूं, एक लंबा विषय हो जाएगा लेकिन ये सत्य है। तो अनेक जन्मों का जो प्रारब्ध है वो किस रूप में हमें मिलता है, एक सबसे पहला गुण
ये गुण बच्चों में विकसित भी कर सकते हैं आप, मूल तो सब में होता ही है, विकसित कीजिए, किसी में कम भी है तो, ऊंचे प्रारब्ध की आत्मा नहीं है तो उसको ऊंचा प्रारब्ध अभी भी तो बना सकते हैं, इसलिए मैं पुरुषार्थ को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, उसमें अंत में आऊंगा। तो यदि बहुत ऊंचा प्रारब्ध, अनेक जन्मों की किसी की बहुत ऊंची साधना है तो उसमें धृति बहुत अधिक होगी, धृति। दूसरी चीज स्मृति, मेमोरी इतनी शार्प होगी, देखा और याद हो गया। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, हमने अपने बच्चों के ऊपर भी प्रयोग किया। अभी दो दिन तक हमारे भाई अरविंद जी थे, उन्होंने आचार्य कुलम के बच्चों को लिया और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि मैं कभी भी सृष्टि सिद्धांत विज्ञान के, सृष्टि सिद्धांत के विरुद्ध बात हो, विज्ञान के विरुद्ध बात हो, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता कभी भी। लेकिन मैं देखा एक बेटी थी जिसकी आंखें बंद कर दी गई, पूरी तरह से आंखें बंद, बल्कि दो तीन पट्टियां बांध दी गई कि कोई ऐसा लगे कि भाई कोई अपने घर से पट्टी लाई थी, तो हमने भी रूमाल बांध दिया। तो बंद आंखों से कलर पहचानना, तो हमारे बच्चे दो दिन में ही सब पहचानने, कलर पहचानना और ABCD आदि ये अल्फाबेट्स और काउंटिंग ये सब बोल देना कि ये लिखा हुआ इस कलर से लिखा हुआ, ये सब हो गया। लेकिन वो बच्ची मैंने देखा कोई भी, मैं अपने हाथ से सब प्रयोग किया कि वो 10 फीट दूर तक का आंख बंद करके पढ़ सकती है, तीसरी आंख खुल जाती है। ये तो एक बहुत एडवांस स्टेज है। एक बात ये भी स्थिति आती है, व्यक्ति पुस्तक देखे और स्कैन हो जाए, पुस्तक देखे और स्कैन हो जाए, इसके ऊपर और प्रयोग करने की जरूरत है। ये प्रयोग बहुत अच्छा है, मैंने इसको जो देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ उससे। लेकिन ये बात सत्य है कि स्मृति यदि किसी की है ना, मैंने पूरी दुनिया के बड़े लोगों को, हजारों लोगों से तो मैं मिला हूँ जो जिनको बड़ा कहा जाता है समाज में, किसी भी क्षेत्र में, डिफरेंट फील्ड्स में, और सैकड़ों लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैंने देखा सब में स्मृति बहुत ऊंची होती है ऐसे लोगों में। तीसरी चीज उनमें प्रतिभा, स्मृति एक याद करने से संबंधित एक वस्तु है और उसको समझना। दूसरा होता है एक बार में हजारों चीजों को भाप लेना, उनको माप लेना, उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करना। इस अस्तित्व के बारे में तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कहता हूं व्यक्ति अपना ही ठीक ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाता, कहां प्रतिभा रही फिर उसके अंदर। प्रतिभा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंचा सत्य है जीवन की, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। और ये तीनों चीजें प्रारब्ध से हमको मिलती हैं। बचपन से मैंने देखा कुछ व्यक्ति बहुत धैर्यवान होते हैं, मैंने अपने ध्येय के प्रति अडिग, अखंड निष्ठा अपने लक्ष्य के प्रति, जो एक बार ठान लिया चाहे प्रलय हो जाए वो उससे पीछे नहीं हटते। वो ठान लेने का भाव पराक्रम के अंतर्गत आता है, लेकिन एक बार जो सोच लिया उसको डिगा नहीं सकता। धैर्य का मतलब हम पेशेंस का ऐसे ले लेते हैं अर्थ की, वो आदमी मतलब थोड़ा विचलित नहीं होता, ऐसा ही नहीं। एक बहुत बड़ा गुण होता है धैर्य, ये प्रारब्ध से मिलता है, एग्जाम से मैं बढ़ाया जा सकता है, स्मृति और प्रतिभा। अब चौथी चीज प्रारब्ध, मैं इसको सात चीजें बताई मैंने, इनके बीच में प्रारब्ध को रखा है। प्रारब्ध से आप सारी चीजों को बढ़ा सकते हो, और मैंने प्रारब्ध का प्रयोग, यद्यपि जो भी भगवान का विधान था, हमें तो बचपन से ही जो है पुरुषार्थ करने की आदत पड़ी हुई है, सुबह 3-4 बजे उठ जाना, रात को 10-11 बजे तक पुरुषार्थ करना, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वाणी से स्वयं पुरुषार्थ करना, और पूरी समष्टि को अपने साथ में लेकर पुरुषार्थ कराना, ये सारा। पतंजलि योगपीठ में आप जो भी कुछ देख रहे हो, पूरे अस्तित्व में जो कुछ मुझसे घटित हुआ है, निमित्त बना करके भगवान ने कराया है, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, ना कोई गॉडफादर हेल्थ में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, हर फील्ड में कोई ना कोई गॉडफादर होता है, उसको उठा लेता है तो आदमी फिर एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। हम जो कुछ आज खड़े हैं आपके बीच में पुरुषार्थ के कारण से खड़े हैं, तो लेकिन ये पुरुषार्थ मैंने देखा, मैं बच्चों को देखता हूँ, छोटों को देखता हूँ, बड़ों को देखता हूँ, हर एज ग्रुप को देखा मैंने, स्वस्थ लोगों को देखता हूँ, बीमारों को देखता हूँ। व्यक्ति मजबूरी में पुरुषार्थ करता है ज्यादातर, 99%। वो पतला होने के लिए तब पुरुषार्थ करता है, उसको लगता है कि अब हार्ट अटैक होगा, अब शुगर होगी, अब हार्ट जो है, अब तो ये भी रिसर्च आ रहे हैं कि जिनको मोटापा ज्यादा है उनको कैंसर होगा। आप लोग टेंशन में मत आ जाना,
जो थोड़े बहुत ज्यादा मोटे हैं, और यदि इस बात को लेकर के आपको थोड़ी परेशानी होती है, आप पतले हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिफिक बात है एकदम। तो आदमी पतला कब होना शुरू होता है, उसको लगता है कि अब चला नहीं जाएगा, अब दिक्कत होगी, तब वहां से शुरू करता है। जो है व्यक्ति पुरुषार्थ अक्सर तब करता है जब उसको लगता है कि इसके बिना चलेगा नहीं, तब करने लगता है ज्यादातर। ऐसा पता नहीं कैसा स्वभाव है, क्यों है प्रारब्ध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ बहुत बड़ा है हमारे जीवन को महान बनाने वाला। फिर इसके बाद अगली चीज मैंने कही पराक्रम। पराक्रम और पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। पुरुषार्थी व्यक्ति सुबह से शाम तक लगा रहता है। सड़क कूटने वाला भी पुरुषार्थी होता है तो वो कभी काम चोर नहीं होता। खेत में भी आदमी पुरुषार्थ करता, लेकिन पराक्रम यह होता है कि वो आदमी आज तक जो परंपरागत खेती कर रहा था तो उसको 50,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन वो यदि उसी में ही वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकता है, जड़ी बूटियों की, औषधियों की, या इस तरह से फ्लावर्स की खेती कर सकता है, या कश्मीर आदि में है तो सेव की, या फिर उससे आगे केसर की खेती कर सकता है, तो 5 से 10 लाख रुपए एक एकड़ में कमा सकता है। 5 लाख रुपए तो एक एकड़ में कोई भी कमा सकता है, लेकिन उसके लिए एक साहस चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में बड़ा करने के लिए आपको एक साहस चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी, आजकल तो मैनेजमेंट में इसको बहुत बढ़ाया जाता है कि बड़ा काम करने के लिए आदमी को रिस्क तो लेना पड़ता है। आज हम जहां खड़े हैं, जो भी जिस भी योग आयुर्वेद स्वदेशी और जो आज आचार्य कुलम का भी कर रहे हैं, अब हम आने वाले समय में करीब आचार्य कुलम के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये रिस्की तो है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, और करना ही क्या है, ये एक सत्कर्म है, इसको करना है। इसके अंदर जो भी संघर्ष आएंगे, चुनौतियां आएंगी, उनको हम फेस करेंगे, क्या दिक्कत है। और कमाना 1 रुपए भी नहीं, जो भी अर्जित होगा जिस भी स्रोत से होगा वो इसी यज्ञ में आहुति हमें डालनी है। आज तक भी जो किया, योग का किया, आयुर्वेद का किया, स्वदेशी का काम किया, सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, इतना हाई रिस्क था कि एक बार नहीं सैकड़ों बार तो ऐसा हुआ कि कल को जीवन ही नहीं बचेगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आप कोई बहुत बड़ा साहस पूर्वक कोई निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही बड़े होते हैं, लेकिन आपको एक बार तो पराक्रम करना पड़ता है, एक बार तो साहस करना पड़ता है।